हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी 247। और हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फॉलो करने वाले हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि उचित गुणधर्मों के आधार पर निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें पहले का पहला है माइनस के 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस के 2/5 प्लस 5/2। यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/10। इसका एलसीएम आएगा हमारे पास में 10 आएगा एलसीएम, तो 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 पंजे 10, तो 5 25 प्लस 10 एकम 10, तो 1 × 1 माइनस के 1। ठीक है, 25 माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस के 5 हो जाएगा। नीचे भाग में क्या चल रहा है, 10, तो 25 में से 5 गए तो क्या आएगा हमारे पास में 20/10, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास में 2। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड क्वेश्चन है। 2/5 गुणा माइनस के 3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। इसको भी सोल्व करना है, तो ये 2 3 6 माइनस के 6/7 पंजे 35 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गए तो ऊपर, तो ये माइनस के 1/4 हो जाएगा, प्लस 14 पंजे 70, तो वैसे 2 7 14 हो रहे हैं, तो 1/35 आ जाएगा इसका। अब इन दोनों में क्या करना है, क्रम विनिमेय लगा देते हैं। ये इधर आ जाएगा, तो माइनस के 6/35 प्लस 1/35 और माइनस के 1/4। अब क्रम विनिमेय लग गया, अब इन दोनों इनमें साचर्यता का नियम लगा देते हैं। तो इसका आएगा एलसीएम 35, तो ये माइनस के 6 प्लस 1/35 माइनस के 1/4, ये आ जाएगा माइनस के 5/35 और ये माइनस के 1/4। अब इनका एलसीएम क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम, कुछ इसी तरह निकालते हैं। तो 2 दूनी 4 35, ऐसे कैसा 2 एकम 2 35, 5 7 35 और 7 एकम 7, 2 दूनी 4 4 पंजे 20 और 20 7 140, 7 पंजे 35 35 70, 70 दूनी 140, इसका एलसीएम आ जाएगा 140। अब करेंगे तो 35 दूनी 70, तो 4 बार और 4 पंजे 20, 4 का करेंगे 4 3 12 और 4 पंजे 20, तो 35, तो माइनस के 35 क्या आएगा, माइनस माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो 35 प्लस 45 और 10 55 माइनस के 55/140, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें योज्य प्रतिलोम बताने, क्या बताने, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/8, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। हमें पता है कि इसको ऐसी संख्या में जोड़ना है जिससे हमें 0 यानी मिल जाए, प्राप्त हो जाए। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 2/8 है। क्यों है, क्योंकि 2/8 प्लस माइनस के 2/8 बराबर क्या है, 0। ठीक है, बस इतना सही इसका आंसर।
इससे सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड लेके चलते हैं। माइनस के 5/9 के लिए बोला है कि माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो अब हमें पता है माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। पाँच बटे नौ है, क्यों है? वही चीज़, क्योंकि माइनस के 5/9 में अगर 5/9 को जोड़ेंगे तो जीरो मिलेगा हमें, क्योंकि क्योंकि माइनस के 5/9 प्लस 5/9 बराबर जीरो। इसी का थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसी का थर्ड क्वेश्चन है माइनस के 6/5 है। अब माइनस के 6/5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या होगा, 6/5 होगा, ये 6/5। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 6/5। अब वही क्यों होगा, क्योंकि 6/5 प्लस माइनस के 6/5 बराबर क्या होगा, जीरो, इसलिए। ठीक है, तो हमें पता है कि योज्य प्रतिलोम होते क्या है, कि किसी भी संख्या में उसके ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो हमें जीरो मिलता है। क्या मिलता है, जीरो। तो मतलब किसी भी संख्या को ऐसे संख्या से जोड़ो ताकि हमें जीरो मिल जाए, वही होता है योज्य प्रतिलोम। तो तीन क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसके दो क्वेश्चन है वो आप करके देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो हमें बताइए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी प्रकार का, इसमें क्या दे रखा है, दो क्वेश्चन है। एक तो है 1 = 11/15 और दूसरा क्वेश्चन है 1 = -13/17। इसके लिए पता है क्या सिद्ध करना है, क्या सत्यापित करना है। इसके लिए ये बताना है कि माइनस माइनस के एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, ये प्रूफ करना है। इसका एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक क्वेश्चन आप करके देखिए, अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। तो इसका पहला पार्ट लेते हैं कि x बराबर 11/15 है, तो x बराबर 11/15 वाले के लिए, इसके लिए देखो क्या होगा कि 11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस के 11/15। क्यों होगा, क्योंकि 11/15 प्लस माइनस के 11/15 बराबर जीरो आ रहे हैं, आता है। जब इस प्रकार जीरो आ रहे थे, जब 11/15 का योज्य प्रतिलोम माइनस के 11/15 है, तो माइनस 11/15 का योज्य प्रतिलोम भी 11/15 होगा। भी 11/15 ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इस मेथड से बताता हूँ मैं आपको, माइनस माइनस के एक्स बराबर एक्स प्रूव करना है, तो हमारे पास में एक्स क्या है, 11/15, तो इसका ऋणात्मक क्या हो जाएगा, माइनस के 11/15। अब इस माइनस 11/15 का ऋणात्मक निकालना है, तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या आया, 11/15, ये क्या है, एक्स है। वैसे हमने ये यहाँ प्रूव कर दिया, उसके आगे ये यहाँ बता दिया। इसका ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार होगा, आप करके देखिए। तो चलते इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो अब आप ये बताइए कि आपको पता होगा गुणात्मक प्रतिलोम होते क्या हैं। जैसे इसने पहला क्वेश्चन दिया माइनस के 13, अब इसको ऐसे किस संख्या से गुणा किया जाए कि 1 आ जाए, बताओ किससे किया जाएगा। माइनस 13 को एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 1 आ जाए, तो वो होगा 1/-13। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, क्या आया, 1। तो पता चल गया हमें कि माइनस 13 का गुणात्मक
प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 1/13 होगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। माइनस के 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने, वही चीज कि इसे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि एक आ जाए, हमें एक मिल जाए। तो ये माइनस 13/19 है, इसे गुणा करेंगे माइनस के 19/13 से। ठीक है, 19 से 19 कट गया, 13 से 13 कट गया, माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो माइनस 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस से 19/13 हो जाएगा। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, 1/5। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, हमें पता है कि इसे 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5। पाँच होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें दे रखा है कि माइनस के 5/8 इंटू क्या करना है, माइनस 5/8 से माइनस के 5/8 इंटू माइनस के 3/7। अब ये देखिए, इसे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, पहले एक बार इसे उल्टा कर दीजिए, मतलब इन्हें इंटू कर दीजिए। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 + 15 = 8 + 7 = 56। इसे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेगी, एक आ जाए, 56/15 कट जाएगा ये, और क्या आएगा, एक। मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, छप्पन बटे 15 होगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे। इसका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, माइनस के 1 × -2/5 ये है। देखो इसमें इसे माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या आएगा, 2/5। इसको ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करें, एक से गुणा करेंगे तभी तो कट कट आगे एक आएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 होगा। इसका सिक्स क्वेश्चन है, माइनस के 1 का गुणात्मक प्रतिलोम, माइनस के 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए माइनस के 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब माइनस के 1 है, इसको ऐसी संख्या से इंटू करेंगे कि 1 आ जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी, -1 × -1। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या है, 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा, माइनस के 1 ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें बताना क्या है कि जो क्वेश्चन दे रखे उनमें कौन कौन से प्रॉपर्टी काम है गुणन के अंतर्गत। तो उसका पहला क्वेश्चन है, माइनस के 4/5 × 1 = -1 × -4/5। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, माइनस के 13/17 × -2/7 × -2/7 = -2/7 × -13/17। और इसका थर्ड क्वेश्चन भी दे रखा है, वो क्या है, माइनस के 19/29 × -19/1।
अब ये तीन क्वेश्चन है, इनमें ये बताना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी काम में आई है, ठीक है। इनमें क्या बताना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास में काम में आई है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कि माइनस के चार बटे पाँच इंटू एक या फिर एक इंटू माइनस के चार बटे पाँच क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस के चार बटे पाँच दिख रहा है हमें, पता है कि एक को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या वापस आ रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा गुणात्मक तत्समक, कौन सी हो गई गुणात्मक तत्समक हो गई। इसके अगला है माइनस के तेरह बटे सत्रह गुणा माइनस के दो बटे सात बराबर माइनस के दो बटे सात गुणा माइनस के तेरह बटे सत्रह, पता चल रहा होगा क्रम विनिमय था, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ठीक है। और ये अभी अभी हमने ये देखा है कि किस संख्या को उसके व्युत्क्रम से या फिर गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते हैं एक प्राप्त हो रहा है, तो इसमें कौन सा है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स पता है दोस्तों क्या बोल रहे हैं, छः बटे तेरह को माइनस के सात बटे सोलह के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, ठीक है। तो छः बटे तेरह गुणा किससे करना है, इसके व्युत्क्रम से, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा सोलह बटे माइनस के सात, यही होगा। तो क्या हो जाएगा सोलह छः के छण में बटे तेरह सत्ते इकराण में, यही होगा। और माइनस का ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है, तो इसका व्युत्क्रम सोलह बटे माइनस के सात हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन भी क्वेश्चन नंबर फाइव जैसा ही है, उसमें भी कुछ नहीं करना, उसमें भी यही बताना है कि ये जैसे एक बटे तीन है इंटू छः इंटू चार बटे तीन है बराबर है एक बटे तीन इंटू छः इंटू चार बटे तीन के, ये है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, कौन सी यानी गुणधर्म लग रहा है, कौन सा क्या लग रहा है, ये बताना है। देखा है हमने देखा है कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी इंटू सी के, किससे होता है, हाँ याद आया होगा सहचर्यता से, सहचर्यता से ये बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन भी आ गया होगा हमें, मुझे उम्मीद है आपको समझ में। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट की तरफ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट है, तो क्वेश्चन नंबर एट है बोल रहा है क्या माइनस एक सही, क्या माइनस एक सही एक बटे आठ का गुणात्मक प्रतिलोम आठ बटे नौ है, और है तो क्यों और नहीं है तो नहीं है तो क्यों नहीं। देखो दोस्तों ये माइनस एक से एक बटे आठ, तो मतलब माइनस एक से एक बटे आठ मिश्रित भिन्न से भिन्न साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो होगा आठ एकम आठ और नौ, तो माइनस के नौ बटे आठ यही होगा। तो अब हमें पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कि इसे ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि एक आ जाए, तो माइनस के नौ बटे आठ को ऐसे किस संख्या से गुणा करें कि एक आ जाए आठ बटे माइनस के नौ से, आठ बटे माइनस के नौ तभी तो ये एक आएगा। तो ये हमारा
गलत है, तो हमें रीजन भी मिल गया कि एक को इस संख्या से उससे गुणा करने पर एक आता है, ठीक है, इसे जो इसकी उल्टी हो, मतलब माइनस 9/8 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर एक मिलेगा, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, 8/-9, ठीक है, या फिर -8/9। तो ये हमारा गलत है, ये होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों अब इसका अगला क्वेश्चन ये है कि क्या सिंपल सा है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 3 से 1/3 का क्या बता पूछ रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, और अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। इसे भी 3 से 1/3 को भी चेंज करते तो 3 × 9 और 1 10/3, 10/3 होगा, होगा 10/3। अब इसको ऐसे संख्या से गुणा करें कि जो एक आ जाए वही होता है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो 10/3 × 3/10 = 1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, क्या होगा 3/10, और इसे 0.3 लिख सकते हैं, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, हमें रीजन मिल गया। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पर, और दोनों ही बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें क्या करना है, 3 सिंपल से क्वेश्चन है, उनके आंसर्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है, मतलब नहीं है, परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है, तो बताइए दोस्तों क्या हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, सोचिए दोस्तों। और थर्ड भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वो कुछ इस प्रकार है कि परिमेय संख्याओं के, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, क्या है अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो किसके समान है, अपने ऋणात्मक के समान है, तो बताइए दोस्तों अगर आपने कुछ सोचा तो। अब मैं बताता हूँ कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है, यानी नहीं है, वो है 0। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता दोस्तों, और ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो वो हो जाएगी 1 तथा -1। देखिए दोस्तों 1 का अगर 9/1 लगा दो वो वापस 1 हो जाएगा, -1/1 वो -1 हो जाता है, तो ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है वो हो जाएगी 1 तथा -1। अब थर्ड आता है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। दोस्तों अब केवल 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका कोई ऋणात्मक नहीं होता, मतलब वो अपने ऋणात्मक के समान होगी, वरना बाकी का सभी संख्या देख लीजिए 1, 2, 3 सब उनके ऋणात्मक -1, -2, -3 कुछ इस प्रकार होते हैं, तो वो संख्या हो जाएगी क्या, 0 हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न, और उसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें,
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि शून्य का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम खाली स्थान है। तो मैं एक बार पहले पूरे क्वेश्चन कर देता हूँ, तब तक आप जिसे आपको अगर आता है ये क्वेश्चन तो आप एक बार कमेंट कीजिए हमें, शून्य का व्युत्क्रम। अगला क्वेश्चन है कि संख्याएं खाली स्थान तथा खालिस्तान, संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमारा ये आता है कि पांच का व्युत्क्रम खालिस्तान है। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये आता है कि वन अपॉन एक्स, जहाँ एक्स क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक्स जीरो नहीं है, का व्युत्क्रम खालिस्तान है। और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है टेंथ का खालिस्तान कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खालिस्तान है। क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, अब ये हमें यहाँ पे आप बताना है कि क्या होगा इनका आंसर। हमारा सिक्स क्वेश्चन ये है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खालिस्तान है। तो अब हम आगे करते हैं इनके पूर्ति रिक्त स्थानों की। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता, तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। और संख्या एक तथा यानी खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि एक तथा माइनस के एक स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। और पाँच का व्युत्क्रम क्या होगा पता है हमें, एक बटे पाँच, यही होता है पाँच का व्युत्क्रम। और वन अपॉन एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक्स ही होगा। क्या होता है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। क्या होता है, हमेशा परिमेय, कि जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त है वो हमेशा परिमेय मिलेगा। और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसका, धनात्मक का, हमेशा धनात्मक ही मिलता है। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर लाल बटन को प्रेस कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 की है, और अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 1 परिमेय संख्या को ख़त्म करेंगे। तथा हमारे साथ लगातार बने रहे, धन्यवाद दोस्तों। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.